आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की बड़ी खबर सपा से आ रही है। सपा आरएलडी ने और दो प्रत्याशियों का किया ऐलान। मुजफ्फरनगर से होंगे सौरभ के आरएलडी के उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, प्रोफेसर अजय कुमार होंगे आरएलडी से छपरौली प्रत्याशी। सपा आरएलडी ने दो और प्रत्याशियों का किया ऐलान। आपको बता दें कि इसी बीच हर पार्टी के प्रत्याशियों के ऐलान का सिलसिला लगातार जारी है, तो सपा आरएलडी ने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। प्रोफेसर अजय कुमार होंगे आरएलडी से छपरौली के प्रत्याशी। सपा आरएलडी ने दो और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। लगातार सपा अपने प्रत्याशियों के ऐलान कर रही है, अपने गठबंधन वाले प्रत्याशियों के भी सपा लगातार ऐलान कर रही है। इसी बीच अजय कुमार होंगे आरएलडी से छपरौली प्रत्याशी। को बता दें कि सपा आरएलडी ने दो और प्रत्याशियों के ऐलान किए हैं। सपा लगातार अपने गठबंधन किए हुए पार्टियों के सीटों पर ऐलान कर रही है। सपा कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर सपा आरएलडी से आ रही है। सपा आरएलडी ने दो और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर से सौरभ होंगे आरएलडी प्रत्याशी। तो वहीं जहां एक तरफ आरएलडी ने पहले भी सपा से 7 सीट ले चुकी है, सपा ने पहले भी आरएलडी को 60 सीटें दिए हैं। इसी बीच सपा आरएलडी ने दो और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरनगर से सौरभ होंगे आरएलडी के प्रत्याशी। प्रोफेसर अजय कुमार आरएलडी से छपरौली प्रत्याशी होंगे। इस बीच की बड़ी खबर सपा आरएलडी से आ रही है। सपा आरएलडी ने दो और, वही इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, सपा आरएलडी ने दो और सीटों का ऐलान कर दिया है। इन दो अहम जहां जहां से दोनों प्रत्याशियों का ऐलान किया है, क्या दबदबा इन दोनों प्रत्याशियों का अपने अपने क्षेत्र में? देखिए, ये जो दो ही प्रत्याशी जो अभी आज जिनकी लिस्ट जारी की गई है, ये दोनों पश्चिम की वो बेल्ट के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं जहाँ पर आरएलडी काफी मजबूत है। और किसान आंदोलन को देखते हुए, किसानों की समस्या को देखते हुए, गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए, ये दोनों ही जो गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये मजबूत टक्कर दे सकते हैं सत्ता दल के प्रत्याशियों को। मुजफ्फरनगर और छपरौली, ये दोनों ही वो सीटें हैं जहां पर जो गन्ना किसान है उनकी समस्या सबसे ज्यादा रही है। गन्ना भुगतान की समस्या को लेकर किसान काफी नाराज रहा है, किसान आंदोलन को लेकर के किसान काफी नाराज रहा है। तो ऐसे में इन दोनों बेल्ट पे मुजफ्फरनगर और छपरौली की जो दोनों सीटें हैं, यहाँ पर जो ये गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं, कहीं ना कहीं ये काफी अहम टक्कर दे सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशियों को। और नितिन, क्या कुछ और खबर आ रही है सपा आरएलडी गठबंधन की तरफ से? अभी कुछ और नई खबर आने की उम्मीदें जताई जा रही है? देखिए, अभी और भी कई सारे प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे करके चयन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कोशिश की जा रही है कि मजबूत दावेदारी को ही प्रत्याशी बनाया जाए सपा आरएलडी के गठबंधन की। काफी मंथन हुआ था दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच, जिसमें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी रहे हैं। कई सारी बैठकें हुई थी और बैठकों के बाद भी इन प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो लगभग करी जा रही है। तो ऐसे में अहम बात यही है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पूरी तैयारी के साथ इस बार इस विधानसभा चुनाव में उतरने वाला है। और 40 सीटों पर लगभग प्रत्याशियों की घोषणा हुई है सपा आरएलडी के प्रत्याशियों की। तो ऐसे में अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी जानती है कि कौन कौन सी सीटें हैं, वो कौन कौन सी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अगर आरएलडी के प्रत्याशियों को उतारा जाए तो वो काफी मजबूत टक्कर दे सकते हैं और जीत भी सकते हैं, और उसी के हिसाब से इन प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। जी, धन्यवाद नितिन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी बेटे मेंग के लिए लखनऊ कैंट से मांग रही है टिकट। आपको बता दें कि अपर्णा के भाजपा में जाने से बेटे का रास्ता रुका, जहां एक तरफ पहले ही रीता बहुगुणा जोशी बता चुकी है कि अपने बेटे की वजह से वो सांसदी का सीट छोड़ने को तैयार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दोपहर 2 बजे भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी सपा कार्यालय पहुंचेंगी बेटे मयंक के लिए लखनऊ से टिकट मांग रही थी। वहीं अपर्णा के भाजपा में टिकट मिलने से कहीं ना कहीं मयंक जोशी का रास्ता रुक गया है। पहले ही रीता बहुगुणा जोशी ने यह कह दिया था कि वह सांसदी भी छोड़ने को तैयार है अगर उनके बेटे को सीट मिलती है, लेकिन इसी बीच अपर्णा यादव को सपा में शामिल होने से कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी को अपने बेटे को टिकट मिलने के आसार खत्म नजर आ रहे हैं। तो आपको
जिस तरह से अपर्णा यादव भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो इसी बीच ऋता बहुगुणा जोशी दोपहर 2 बजे सपा के कार्यालय पहुंचेंगी बेटे मयंक के लिए। आपको बता दें कि वो बेटे मयंक के लिए लखनऊ कैंट से टिकट मांग रही थी, लेकिन अपर्णा यादव के सपा में शामिल होने से उन्हें यह टिकट कंफर्म दिखाई नहीं दिख रही है। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे भाजपा सांसद ऋता बहुगुणा जोशी सपा कार्यालय पहुंचेंगी बेटे मयंक के लिए कैंट से। वो टिकट मांग रही थी, अपर्णा के भाजपा में जाने से बेटे का रास्ता कहीं ना कहीं उनको रुकता नजर आ रहा है। मयंक को सपा कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 2 बजे भाजपा सांसद ऋता बहुगुणा जोशी सपा कार्यालय पहुंचेंगी बेटे मयंक को। वो कैंट से चुनाव लड़ाना चाहती थी, बेटे मयंक के लिए वो कैंट से टिकट मांग रही थी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।